from a vector space v to a vector space w where v and w are finite dimensional vector spaces jaise hi main bolungi ki V and w finite dimensional vector spaces hain to aapko malum hai ki usme uska basis set rahega jitne uske basis ke element honge utni puri space ki dimension rehti hai हमने linear transformation given में दी है t from a vector space v to a vector space w और लेट कर रहे हैं कि v फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसकी कोई एक फाइनाइट वैल्यू है से n के बराबर इसी तरीके से w भी फाइनाइट डायमेंशनल है और उसकी डायमेंशन को हम लेट कर लेंगे से m के बराबर जैसे ही मैं स्पेसिस की डायमेंशन को लेट करूंगी तो आपको मालूम है उसमें उसके बेसिस सेट रहेंगे और उसके बेसिस के उतने ही एलिमेंट रहेंगे जितने पूरी स्पेस की डायमेंशन है सो so, मैंने क्या किया वी uh, स्पेस का बेसिस सेट ले लिया जिसमें मैंने एन एलिमेंट्स को कंसिडर किया है क्योंकि वी की डायमेंशन एन है और उसके जो एलिमेंट्स है वो मैंने कैसे लेट किए हैं वी वन वी टू सोन टू वी एन इसी तरीके से W की डायमेंशन M थी तो W का एक बेसिस सेट लेना था और उसके कितने एलिमेंट्स को लेट करना था M, क्योंकि उसकी डायमेंशन M है अब W का जो बेसिस सेट है उसकी एलिमेंट्स मैंने W1, W2, सो ऑन टू WM तक कंसीडर किए अब हमारे पास क्या है एक्चुअल uh, में टी मैपिंग वी से डब्ल्यू पे है तो आपको मालूम है कि डब्ल्यू जो है इमेज सेट है तो उसमें वी सेट के मेंबर्स की इमेजेस आनी हैं अब चाहो तो वो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू के क्योंकि वो डब्ल्यू सेट का मेंबर है चाहो तो आप उनकी इमेजेस को कंसीडर कर लो क्योंकि डब्ल्यू सेट में वी सेट के मेंबर्स की इमेजेस आनी है इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे रखा कि अगर वी मेंबर वी सेट का लेती हूँ तो उसकी जो इमेज है वो कहां पे रहती है w में क्योंकि t मैपिंग जो है वो v से w पे गिवन में दी है नाउ अब क्या करेंगे हम बेसिस uh, की डेफिनेशन को यूज करेंगे क्योंकि हमें मालूम है uh, b2 अगर बेसिस सेट है एक्चुअल में b1 भी बेसिस सेट है पहले हम b2 की बात कर रहे हैं b2 अगर बेसिस सेट है तो उसकी डेफिनेशन रहती है कि वो इंडिपेंडेंट सेट होगा w का और वो w स्पेस को जनरेट करेगा या फिर हम उसकी एक थ्योरम यूज कर सकते हैं जो कि हमने बेसिस वाले टॉपिक में की थी बी टू सेट अगर बेसिस सेट है डब्ल्यू का देन डब्ल्यू स्पेस का कोई भी मेंबर जो रहेगा उसे बी टू सेट के मेंबर्स की हेल्प से यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है सो so, वही डेफिनेशन वही थ्यूरम यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सेट का एक मेंबर ले रही हूँ और उसे मैं क्या कर रही हूँ बी के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे अगर हम टी बी वन की बात करते हैं डब्ल्यू सेट की क्योंकि उसका बेसिस सेट W का B2 गिवन है और B2 के जो मेंबर्स हैं वो W1, W2, Wm हैं तो मैंने टी बी वन को जो कि W का मेंबर था उसे B2 के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करके लिख दिया जिसमें स्केलर्स मैंने अल्फा वन वन अल्फा टू वन एंड सो ऑन टू अल्फा एम वन कंसिडर किए हैं सिमिलरली टी वी टू की वैल्यू को भी मैंने बी के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया इसी तरीके से आ, हमने क्या किया कि W सेट के किसी भी मेंबर को क्योंकि W में V सेट के मेंबर्स की इमेजेस आ रही थी वो टी वी एम मेंबर लिया मैंने सॉरी टी वी एन मेंबर लिया और उसे मैंने B2 के मेंबर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करके आ, उसकी रिप्रेजेंटेशन दे दी नाउ हमने क्या कर दिया डब्ल्यू uh, सेट के हर में बी टू के मेंबर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट तो कर दिया यहां से जो हमारे पास एक इक्वेशन बनी उसमें आप देख रहे हो यूज हो रहे हैं अल्फा टू टू सॉरी अल्फा टू वन एंड सो ऑन टू अल्फा एम वन इसी तरीके से सो ऑन टू अल्फा वन एन अल्फा टू एन एंड सो ऑन टू अल्फा एम एन हम क्या करेंगे इन स्केलर्स की एक मैट्रिक्स बनाएंगे इन स्केलर्स की एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स कि जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो कैसी रहेगी वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूं मैंने किसकी रिप्रेजेंटेशन uh, बनाई जो स्केलर्स थे ना उसकी एक मैट्रिक्स बनाई है स्केलर्स की बोलो या कोपिशेंट्स की मैट्रिक्स बनाई है उसकी रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से रहेगी अल्फा वन वन अल्फा टू वन ल्फा एम वन एन सो अल्फा वन एन अल्फा टू एन एन सो अल्फा करना क्या था मैपिंग की, की हमें मैट्रिक्स बनानी थी हमने क्या किया uh, क्योंकि स्पेसिस की डायमेंशन फाइनाइट थी उनके बेसिस सेट में उतने ही एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए जितनी पूरी स्पेस की डायमेंशन है कोडमेन वाले सेट के बेसिस सेट की बात की और उसके कोडोमेन के हर मेंबर में उसके मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया डोमेन वाले वेक्टर स्पेस की क्यों नहीं बेसिस सेट ली क्योंकि हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए कोडोमेन वाली बेसिस सेट की ही जरूरत थी सो so, हमने क्या किया जैसे ही उनके मेंबर्स में कोडोमेन वाले सेट के मेंबर्स को उसके बेसिस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया देन वहां पे हमारे पास स्केलर्स स्केलर्स मिले

जो मैंने अभी एक इसको डेफिनेशन में समझाया मैं इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्लियर करूंगी डिफरेंट uh, टाइप की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले uh, हम क्या करेंगे जो बेसिस सेट है ना uh, किसी भी वेक्टर स्पेसिस के वो यूजुअल बेसिस लेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है जब क्वेश्चन आता है पेपर में वहां पे बेसिस सेट गिवन में नहीं होते हैं जब आपके पास क्वेश्चन में बेसिस सेट गिवन में नहीं होंगे तो आपने स्पेसिस के बेसिस सेट को खुद लेट करना है और वो कौन से बेसिस सेट लोगे जो कि यूजुअल बेसिस रहते हैं यूजुअल बेसिस की हेल्प से किसी ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स कैसे बनता है वो मैं नेक्स्ट में बताने जा रही हूँ अगर बेसिस सेट गिवन नहीं रहता है तो हम उस स्पेसिस के यूजुअल बेसिस को कंसीडर करते हैं और उन यूजुअल बेसिस की हेल्प से किसी एक मैट्रिक्स का सॉरी किसी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स कैसे बनता है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेंगे जिसमें हमारे जो बेसिस सेट रहेंगे वो यूजुअल बेसिस रहेंगे मैं बार बार बात कर रही हूं यूजुअल बेसिस की तो आपको मालूम है यूजुअल बेसिस कौन से होते हैं अगर तो हमारे पास जो स्पेस है से आर टू होगी तो आर टू का जो बेसिस सेट रहता है यूजुअल बेसिस सेट वो कैसा रहता है वन जीरो जीरो वन क्लियर इसी तरीके से आर थ्री का जो यूजुअल बेसिस सेट रहता है वो कैसा रहता है वन जीरो जीरो ट्रिपलेट टाइप के मेंबर आएंगे आर uh, टू की बात करेंगे तो डब्बलेट टाइप के मेंबर आएंगे uh, R3 की अभी मैं बात कर रही थी उसका यूजुअल बेसिस सेट कैसा रहेगा टाइप की एंट्री फर्स्ट एंट्री वन आ गई बाकी दोनों जीरो रहे सेकेंड मेंबर जीरो वन जीरो थर्ड एंट्री जीरो जीरो वन ये सब हम लास्ट uh, यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रही हूँ जिसमें मैं एग्जाम्पल लूंगी कि किसकी यूजुअल बेसिस की क्लियर मैट्रिक्स गिवन में होगी सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन में होगी और उसकी हमें क्या बनानी है मैट्रिक्स बनानी है जिसके लिए बेसिस सेट यूजुअल दिया होगा तो ठीक uh, है और अगर नहीं भी दिया होगा तो हमने यूजुअल ही कंसीडर करना है सबसे पहला स्टेप रहेगा जो भी गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आप uh, फिर से अपने सल्यूशन वाले स्टेप में लिखोगे टी मैपिंग कैसी दी है उन्होंने से Uh, जैसे कि अभी मैं फर्स्ट एग्जाम्पल में लेने जा रही हूँ आप देख सकते हो स्क्रीन पे R2 से R2 पे हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R2 पे या फिर आप कह सकते हो लीनियर ऑपरेटर्स की बात करने जा रही हूँ पहले जो भी तीन चार एग्जाम्पल्स लूंगी वहां पे मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लूंगी उसका डोमेन और कोडोमेन वाला जो स्पेस रहेगा वो सेम रहेगा आप कह सकते हो मैं जो भी पहली दो तीन एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी वहां पे लीनियर ऑपरेटर्स की बात करूंगी लीनियर ऑपरेटर्स होंगे r2 से r2 पे है और डिफाइन करके दिया होगा क्वेश्चन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन में डिफाइन करके दिया है फिर उसका अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें बेसिस सेट b दिया है गिवन में जो कि कैसा है r2 का 1 0 0 1 ये जो बेसिस सेट है ये हमें खुद से मालूम है ये यूजुअल बेसिस सेट है अगर उसने ऐसा क्वेश्चन दिया होता फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t फ्रॉम r2 टू r2 डिफाइन करके दिया है विद रिस्पेक्ट टू खुद से क्लियर uh, करेंगे पहले मैं की बात कर रही हूं, जबकि उसका बेसिस सेट है क्लियर सो so, मैंने बताया था सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके दी है क्वेश्चन में उसको आप पहले स्टेप में लिख के दे दोगे देन उसका जो भी बेसिस सेट दिया है तो भी ठीक है नहीं भी दिया है तो आप उसका यूजुअल बेसिस सेट खुद से लोगे और उसके सेकंड स्टेप स्टेप में उसको लिख दोगे क्लियर थर्ड क्या रहेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से क्या बनानी है मैट्रिक्स बनानी है ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से मैट्रिक्स बनाने के लिए पहला स्टेप है एक्चुअल में ये आपने करना क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का एक्शन अपने बेसिस वेक्टर्स पे चेक करना है ट्रांसफॉर्मेशन का एक्शन बेसिस के हर वेक्टर पे चेक करना है तो बेसिस का जो पहला वेक्टर है वो क्या है वन जीरो सो मैं टी का एक्शन वन जीरो पे चेक करने जा रही हूं तो टी का एक्शन वन जीरो पे कैसे चेक करोगे जो गिवन में मैपिंग थी टी एक्स कामा उसमें एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे 1 और वाई की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे जीरो गिवन में टी एट एक्स कामा दिया है बट हमें सॉल्व करना है किसके लिए टी वन जीरो के लिए T, 1, इज हमें x की जगह वन पुट करना है और y की जगह जीरो तो जैसे ही सब्सिट्यूट करोगे तो आप देख सकते हो राइट right साइड में इसकी वैल्यू क्या आएगी थ्री इंटू वन क्योंकि आप कह सकते हो कि इसकी जो फर्स्ट एंट्री रही वो क्या रही थ्री माइनस जीरो या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसको थ्री के बराबर इसी तरीके से आ, हम अब y को जीरो पुट करते हैं सेकेंड एंट्री को देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा रहेगा एक्स की जगह वन और वाई की जगह so जीरो रिजल्ट क्या रहता है दैट इज सो इसको सॉल्व करते हैं तो सेकेंड जो इसकी एंट्री है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है वन और इसको पूरा सॉल्व करने पे टी का एक्शन यूजुअल बेसिस के फर्स्ट फैक्टर पे चेक करने पे क्या आया थ्री कामा वन थ्री कामा वन इसको अभी हम यहीं पे रखेंगे क्लियर इसी तरीके से टी का एक्शन

जीरो प्लस फाइव इंटू वन जब जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है माइनस फोर का फाइव क्लियर अभी तक हमने क्या किया है जो भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन में थी उसको पहले स्टेप में लिखा बेसिस सेट यूजुअल वाला था उसे सेकंड स्टेप में लिखा दिया होता तो भी ठीक है नहीं दी है कोई भी बेसिस सेट तो उस केस में यूजुअल वाला बेसिस सेट लेना है थर्ड स्टेप जो कि मेन स्टेप है जिसे आप फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हो टी का एक्शन उसके बेसिस के हर वेक्टर पे चेक करना और टी का एक्शन बेसिस के वैक्टर्स पे चेक करने का तरीका क्या रहता है जो अभी मैंने समझाया जो भी गिवन मैपिंग होगी उसमें एक्स की जगह फर्स्ट वेक्टर जो है हमारे पास वन तो जीरो से टी का एक्शन जीरो वन पे भी चेक करना है तो एक्स की जगह जीरो वाई की जगह वन पुट किया जो भी सोल्व करके वैल्यू आई उसको हमने रख दिया नाउ हमारे पास जो सोल्व करके वैल्यू आई है पहली वैल्यू क्या है थ्री वन और सेकेंड वैल्यू क्या है माइनस फोर फाइव अब ये जो आई है 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 किसका का 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 कहने का मतलब इमेज का result है. और इमेज वाली पे आती है? वाले सेट में ठीक है है अब वाला set क्या आर टू so, का एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या है domain और domain same है आगे चल के कुछ डिफ्रेंसिस आएंगे बट इस एग्जाम्पल में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक ही बेसिस सेट गिवन है R2 का जो कि यूजुअल बेसिस है और यूजुअल बेसिस के केस में हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं टी का एक्शन उसके यूजुअल बेसिस के फर्स्ट वेक्टर पे चेक किया इसी तरीके से वेक्टर पे भी चेक किया जो भी वैल्यू आई उसको रख दिया अब जो वैल्यू आई है वो कोड मेन वाले सेट में आई है और कोड मेन वाला जो सेट है वो भी जो है स्पेस पहनती है और स्पेस का जो बेसिस है वो इस केस में भी कौन सा है यूजुअल बेसिस सो थ्री वन को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है

कि इसमें फर्स्ट एंट्री क्या है थ्री तो आपको थ्री एंट्री फर्स्ट चाहिए तो से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वेक्टर को वन सो so आपका जो सेकेंड वाला वेक्टर है उसे आप वन से मल्टीप्लाई करोगे क्लियर क्या किया जो भी रिजल्ट आया था थ्री वन उसे आपने क्या करना था उसके बेसिस की हेल्प से लिखना था अब बेसिस की हेल्प से लिखने का तरीका क्या रहेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में यूजुअल बेसिस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती आपको सिर्फ स्टेप में ध्यान रखना है फर्स्ट एंट्री थ्री चाहिए तो फर्स्ट वेक्टर को थ्री से मल्टीप्लाई करो सेकेंड एंट्री वन चाहिए तो उसे वन से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड एंट्री को क्लियर ये हमारे पास आ गई वैल्यू ठीक है इसको हम इक्वेशन वन दे देंगे इसी तरीके से टी जीरो वन का जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था माइनस फोर फाइव माइनस फोर फाइव जो है वो भी किसका मेंबर में कोडमेन वाले सेट का इमेजेस आ रही हैं वो कोडमेन में आएंगी और कोडमेन का बेसिस सेट जो है यूजुअल बेसिस उसे लिखना है Uh, उसके uh, को, को, उसके स्पेस so, को 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 मेंबर बेसिस सेट के मेंबर्स की की हेल्प से, से कैसे लिखेंगे? First entry क्या चाहिए चाहिए मल्टीप्लाई so, कर दिया, चाहिए, तो फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया यूजल बेसिस की हेल्प लेने पे इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो सिर्फ ध्यान में रख के बट अगर बेसिस सेट दूसरा होता है तो उसमें पहले आप उसको सिंप्लीफाई करते हो देन स्केलर्स uh, की वैल्यू ढूंढते हो देन उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स बनती है। बट यहाँ पे क्या बना हमारे पास जैसे ही हमने उसको बेसिसियंट तो है उनको कोफिशियंट बोलेंगे ठीक है तो कोफिशियंट क्या मिला है थ्री वन ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे माइनस फोर के साथ सॉरी वन जीरो के साथ कोफिशियंट क्या मिला है माइनस फोर और जीरो वन के साथ कोफिशियंट क्या मिला है फाइव सो so, हमने क्या करना है कोफिशेंट्स की मैट्रिक्स बनानी है थ्री वन माइनस फोर फाइव जो कोफिशेंट्स की मैट्रिक्स बनाई उसका क्या लेना है ट्रांसपोज तो मैंने ऊपर टी लिखा है मैट्रिक्स का टी ट्रांसपोज लेना है और मैट्रिक्स का जो कोफिशेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे उसका जो आंसर रहेगा ट्रांसपोज लेना आता है ना रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं सो थ्री वन जो हमारे पास फर्स्ट रो थी उसे मैंने क्या किया कॉलम में ले आई माइनस फोर फाइव जो सेकंड रो थी उसे सेकंड कॉलम में ले आई

जब इमेजेस का आंसर आया थ्री वन और माइनस फोर फाइव तो इजीली हमने क्या किया फर्स्ट वेक्टर थ्री चाहिए तो थ्री से मल्टीप्लाई किया उस फर्स्ट uh, वेक्टर को वन चाहिए सेकेंड एंट्री तो वन से सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई किया बट अगर यूजुअल बेसिस से हटके होता तो उसमें कैसी मल्टीप्लिकेशन रहती वो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगी सबसे पहला स्टेप सेकेंड एग्जाम्पल जो है एक्चुअल में इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हैं तो हमारे पास जो बेसिस सेट दिया है ना ट्रांसफॉर्मेशन सेम है जो बेसिस सेट दिया आप देख सकते हो उसमें एंट्रीज 3, 3, कहने का मतलब वो बेसिस सेट से हट के कोई बेसिस सेट दिया है तो उस सिचुएशन में हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे उसको देखने जा रही हूँ हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम देखेंगे कि को का को का कोई मेंबर लेते हैं तो उसे उसके मेंबर्स की उसके बेसिस के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसी रहती है क्या कर रहे हैं अगर बेसिस बेसिस सेट यूजुअल से हट के आता है और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनानी है आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तो उस सिचुएशन में पहला स्टेप तो सेम है टी गिवन में जो है उसको लिख दो बेसिस सेट जो गिवन में क्वेश्चन में दिया है उसे लिख दो तीसरा स्टेप क्या रहता है कि जो इमेजेस का आंसर आएगा उसकी जो रिप्रेजेंटेशन में उसके स्केलर्स की वैल्यू रहेगी उसको सॉल्व करना उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे हमें मालूम है जैसे ही मैं r2 का कोई मेंबर लेती हूँ से अल्फा बीटा r2 का कोई इन जनरल मैंने मेंबर ले लिया अल्फा बीटा डबल टाइप की एंट्री आनी थी सो फर्स्ट एंट्री से होगी बीटा एंट्री भी आर uh, से होगी हमें मालूम है ये की डेफिनेशन है कि आर टू का हर मेंबर टाइप का होता है पेयर टाइप का होता है जिसकी इंडिविजुअल एंट्रीज आर से आती हैं क्लियर अब ये स्पेस का मेंबर है और स्पेस के मेंबर को कैसे लिखा जाता है उसके बेसिस के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है सो so, उसका बेसिस सेट इस क्वेश्चन टू में कैसा है वन थ्री थ्री फोर हम इसको कैसा करेंगे आर टू का एक जनरल सा मेंबर लिया और उसे बी के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख दिया अब लिख तो दिया जिसमें स्केलर मैंने क्या ले लिए ए और दूसरा स्केलर क्या ले लिया बी बट हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है इन स्केलर्स की वैल्यू को पहले सॉल्व करके रखना है तो सॉल्व करने के लिए जैसे हम आ, किसी स्केलर को पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही किया है आप देख सकते हो करने के बाद आपको क्या करना है इन स्केलर्स की ही वैल्यू को कैलकुलेट करना है जैसे कि हमें मालूम है दो पेयर्स यहाँ पे आ गए और दो पेयर्स इक्वल तभी होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स जब उनकी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री के बराबर हो और उसकी सेकेंड एंट्री सेकेंड एंट्री के बराबर हो डेट इज कहने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए हमने देखा अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है ए प्लस थ्री थ्री बी और बीटा की वैल्यू आ रही है थ्री ए प्लस फोर बी यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाली हो गया क्वेश्चन नो हमें करना क्या है अल्फा बीटा तो हमने लेट किया है किसी स्केलर्स की वैल्यू को खुद से लेट किया है ठीक है उसको सोल्व करना है अल्फा बीटा एक मेंबर है जो आपको गिवन में देंगे जब क्वेश्चन करोगे हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा बीटा की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी है सो so, हमने यहां से ए और बी को सोल्व कर लिया यहां से ए की वैल्यू और यहां से बी की वैल्यू ले ली ठीक है जो भी वैल्यू आई उसे जो हमने ऊपर रिप्रेजेंटेशन लेट की थी कि आर टू का कोई मेंबर ले रहे हैं और उसे Uh, उसके बेसिस के वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख रहे हैं जिसमें ए और बी लेट करके लिया था उसकी वैल्यू आ गई उसको पुट कर देंगे जस्ट ए और बी की वैल्यू को पुट करेंगे उसे सॉल्व नहीं करेंगे अब uh, फिर से मल्टीप्लाई नहीं करना है ध्यान में रखना जैसे ही स्केलर्स की वैल्यू आ गई ए और बी की आप उसको एज इट इज रख के इक्वेशन नंबर वन दे दोगे ठीक है अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे uh, जैसे कि मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन में बताया था सबसे पहला स्टेप रहता है टी का एक्शन उसके बेसिस पे चेक करना आप चाहो तो ये अभी जो मैंने पहला स्टेप बताया था उसको बाद में भी लिख सकते हो चाहो तो पहले भी लिख सकते हो वो आपकी चॉइस रहेगी सो so, मैंने क्या किया टी का एक्शन पहला स्टेप रहता है उसके बेसिस के हर वेक्टर पे चेक करना तो उसका इस केस में बेसिस वेक्टर कौन सा है वन थ्री ठीक है सेकंड फर्स्ट वेक्टर है वन थ्री और सेकंड वेक्टर है थ्री फोर सो मैं पहले टी का एक्शन वन थ्री पे चेक करने जा रही हूँ एक्शन चेक करना मतलब यहाँ पे एक्स uh, की जगह वन है और वाई की जगह थ्री है और गिवन क्वेश्चन में टी एक्स वाई दिया होगा आप क्या करोगे uh, जो भी गिवन क्वेश्चन होगा उसमें टी ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन होगी उसमें एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे वन और वाई की जगह क्या पुट करोगे थ्री सो so हम देख लेते हैं हमारे पास कैसी थी मैपिंग क्वेश्चन में टी एक्स वाई थ्री एक्स माइनस फोर वाई कामा एक्स प्लस फाइव वाई सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स uh, की जगह वन और वाई की जगह थ्री तो सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है

तो आप क्या करते थे फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई करते थे. आप क्या करोगे uh, ये माइनस नाइन कामा सिक्सटीन क्या है टी वन थ्री का रिजल्ट कहने का मतलब वन थ्री की इमेज और इमेज कहाँ पे आ रही है मेन वाले सेट में और मेन वाला जो सेट है वो स्पेस है और स्पेस की बेसिस सेट गिवन में जो कि यूजुअल बेसिस से हटके है और उसके बेसिस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है जो कि हमने इक्वेशन ए में ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है सो माइनस नाइन कामा सिक्सटीन को मैं कैसे लिखने जा रही हूँ उसके बेसिस के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ हमारे केस में ये मेंबर्स माइनस नाइन कामा सिक्सटीन जो है ना इसको आप अल्फा कामा बीटा लेट कर लो और जो इक्वेशन ए थी उसमें अल्फा की जगह क्या पुट करोगे माइनस नाइन और बीटा की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे सिक्सटीन आप सॉल्व करके देख सकते हो वो रिजल्ट ऐसा बन रहा है अल्फा जहां जहां पे है वहां पे माइनस नाइन पुट कर दो बीटा जहां जहां पे वहां पे पेटीन सब्सटीट्यूट कर दो सॉल्व करने पे ऐसा रिजल्ट आएगा ठीक है इसी तरीके से अब आपने क्या करना है टी का एक्शन उसके बेसिस के सेकेंड वैक्टर पे भी चेक करना है और सेकंड वैक्टर क्या था थ्री कामा फोर उस पे मैं चेक कर रही हूँ तो वो सॉल्व करके रिजल्ट कितना आ रहा है माइनस सेवन कामा ट्वेंटी थ्री अब ये भी क्या है

वैल्यू uh, आ रही है नाइनटी सेवन बाय फाइव ठीक है जो कि एक कोफिशंट है इसी तरीके से थ्री कामा फोर के साथ भी कोफिशंट की वैल्यू आ रही है माइनस फोर्टी फोर कामा माइनस फोर्टी फोर हमारे पास क्या मिल गए कोफिशेंट टी का एक्शन वन थ्री पे देखने पे भी हमारे पास कोफिशियंट एटी फोर बाय फाइव और माइनस फोर्टी थ्री बाय फाइव मिला है और थ्री फोर पे जब एक्शन देखा है टी का देन उस केस में भी कोफिशेंट मिले हैं आप क्या करोगे कोफिशियंट की क्या बनाओगे मैट्रिक्स ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाई और उसका क्या लेना है ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज़ इनटू कॉलम जो भी इस मैट्रिक्स का आंसर आएगा वो हमारा किसका आंसर होगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी क्लियर जो कि बेसिस कैसा था यूजुअल बेसिस से हटके

बेसिस से हटके होगा उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दोगे बट वहां पे जो स्केलर्स किए हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे और उनकी वैल्यू को ऊपर सब्सिट्यूट करोगे सब्सिट्यूट करके सॉल्व नहीं करोगे देन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले जैसा हो जाएगा टी का एक्शन उसके हर बेसिस वेक्टर पे चेक करना है चेक करके जो भी रिजल्ट आएगा वो इमेज वाला आंसर है और इमेज के बेसिस सेट का कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वेशन ए में सॉल्व किया होगा वहां से कोपिशेंट जनरेट होंगे की मैट्रिक्स मैट्रिक्स बनाओगे देन उस का ट्रांसपोज लोगे वो आपका आंसर होगा किसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस जो भी गिवन में है क्लियर सो uh, so, इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और लेंगे दो तीन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे अभी तक मैंने जो भी एग्जाम्पल्स ली हैं वो लीनियर ऑपरेटर्स की ली हैं इसलिए आपको ये इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो बेसिस सेट है वो डोमेन का है या कोडोमेन का है दोनों के बेसिस सेट सेम रहते हैं जब किसी क्वेश्चन में दो बेसिस सेट डिफरेंट दिए होते हैं ना तो जैसे अभी एक एग्जाम्पल ली थी अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन दो अलग अलग थे कई बार एक ही क्वेश्चन में दो बेसिस सेट दिए होते हैं वो केसेस कौन से रहते हैं जब ऑपरेटर्स नहीं होंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी ठीक है अगर वो ऑपरेटर होगी तो उसके लिए एक ही बेसिस सेट गिवन में रहेगा और उसके लिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया बेसिस सेट यूजुअल है तो भी और अगर यूजुअल से हटके है तो भी मैं अब एक एग्जांपल ले रही हूँ नेक्स्ट एग्जांपल एग्जाम्पल आप देख सकते हो एग्जांपल वन अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करने जा रही हूँ पहले टू एग्जाम्पल ली थी अब फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ इसमें भी लीनियर ऑपरेटर है आटू ठीक है कहने का मतलब मैपिंग आटू से आटू पे है बेसिस सेट एक ही गिवन में होगा ठीक है सो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके दिए है हमारा क्वेश्चन जो रहता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनानी है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस दिया है जो कि यूजल से हटके है ठीक है यूजल से हटके है क्योंकि वन जीरो जीरो वन होता तो यूजल बेसिस होता है ये यूजल से हटके है तो हमारा क्वेश्चन सेकेंड एग्जाम्पल जैसा रहेगा पहला स्टेप क्या रहेगा अः uh, हमने क्या करना है जो कि कोडमेन क्या है डोमेन और कोडमेन दोनों स्पेसिस सेम है r2 r2 का कोई एक जनरल मेंबर लेट करना है जैसे पहले लेट किया था और उसे उसके बेसिस के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है r2 का कोई मेंबर उसके बेसिस की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जा सकता है आप स्केलर a और b लेट कर लोगे a 1 1 बेसिस था ना 1 1 -1 0 सो सेकंड स्केलर मैंने b ले लिया b -1 0 नो हमारा काम क्या रहता है यहाँ पे स्केलर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना पेयर्स को जैसे मल्टीप्लाई एड और दो पेयर्स इक्वल कैसे रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए मैंने किसकी वैल्यू सोल्व कर ली ए और बी की जैसे ही स्केलर्स की वैल्यू आ गई ए और बी की हमने उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है जो हमने रिप्रेजेंटेशन खुद से लेट की थी वहां पर सब्सिट्यूट कर देना है सब्सिट्यूट करने पे हमारे पास जो इक्वेशन रहती है उसे ए इक्वेशन बना दो या वन इक्वेशन बना दो आपकी मर्जी है मैंने इक्वेशन नंबर वन दिया है सॉल्व नहीं करना है जस्ट स्केलर्स की वैल्यू को पुट किया और उसको इक्वेशन को नाम दे दिया नाउ हमारा काम क्या रहता है ट्रांसफॉर्मेशन गिवन में है बेसिस गिवन में है टी का एक्शन एक्चुअल में ये हमारा पहला स्टेप रहता है जिसे मैं थर्ड स्टेप कहती हूँ टी uh, का एक्शन उसके बेसिस के हर वेक्टर पे चेक करना तो वन वन पे टी का एक्शन चेक करने जा रही हूँ हर क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट रहती है तो हमें चेक करना पड़ता है यहाँ पे एक्स की जगह वन वाई की जगह वन पुट करेंगे गिवन क्वेश्चन में टी एक्स की जगह वन वाई की जगह वन पुट करने पे उसको सॉल्व करेंगे उसका सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आता है उसको एज इट इज रख देंगे 2, 3. पहले इधर तक हम हम सॉल्व करते हैं देन का एक्शन उसके बेसिस पे भी चेक करेंगे वो क्या है सेकेंड बेसिस वेक्टर पे चेक करेंगे माइनस वन जीरो पे सॉल्व किया उसका रिजल्ट क्या आया माइनस फोर माइनस टू देन हमने जो देखा कि टी वन वन को आ, उसका एक्शन चेक करने पे रिजल्ट टू थ्री आ रहा है एक्चुअल में ये है क्या कोई इमेज है डोमेन के किसी मेंबर की इमेज जो कि कोडोमेन में जाएगी और अगर को में जाएगी तो उसके कोडोमेन वाली स्पेस के बेसिस वेक्टर के कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिखा जाएगा यहाँ पे दोनों डोमेन और कोडोमेन का बेसिस सेट सेम ही है इसलिए आप आ, को टेंशन की जरूरत नहीं है कोडोमेन के बेसिस सेट के मेंबर की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है और वो रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी हमने इक्वेशन वन पे बना के रखी है जिसमें हम टू की अल्फा की जगह टू पुट करने जा रहे हैं और बीटा की जगह थ्री पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन वन में अल्फा बीटा है हमारे पास आर टू का कोई जनरल मैम्बर यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू आ गई टू थ्री सो मैंने अल्फा को टू और बीटा को थ्री पुट किया और उसको उसको पुट uh, करने पे uh, देखा कि सॉल्व करके हमारे पास स्केलर्स मिल गए कौन से स्केलर मिले थ्री और वन ठीक है इसको अब एज इट इज रख देंगे इसी तरीके से जो टी माइनस वन जीरो का रिजल्ट आया था माइनस फोर माइनस टू वो भी आर टू का मेंबर है और R2 के किसी भी मेंबर की रिप्रेजेंटेशन अल्फा बीटा के लिए हमने इक्वेशन वन में पुट करके रखी है सॉल्व करके रखी है वहां पे अल्फा की जगह हमने क्या पुट किया माइनस फोर और बीटा की जगह माइनस टू पुट किया और ये इक्वेशन बन गई ऐसा करने से हमारे पास स्केलर्स आ गए माइनस टू टू ठीक है अब ये जो स्केलर्स जिसे आप कोफिशेंट बोल रहे हो इनकी एक मैट्रिक्स बनानी है यहाँ पे कोफिशियंट क्या थे थ्री वन और इस t का माइनस वन जीरो पे t का एक्शन देखने पे जो हमारे पास कोफिशेंट आए हैं वो माइनस टू टू आए हैं कॉफिशिएंट uh, की मैंने मैट्रिक्स बनाई उसका ट्रांसपोज लिया देन उसका जो रिजल्ट आया वो आपका आंसर है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन टी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी जिसमें बेसिस यूजुअल बेसिस से हटके था क्लियर uh, इसका सेकेंड पार्ट भी है बट हमें जो है फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस करना है नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट uh, एग्जांपल ले लेंगे कोई डिफरेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें मैंने आर टू से हटके जो लीनियर ऑपरेटर है वो आर थ्री रखा है आर थ्री पे रखा है क्लियर टी मैपिंग है आर थ्री से आर थ्री पे सो आर थ्री के मैंबर्स ट्रिपलेट टाइप के लेने अभी तक जो क्वेश्चन किए वहाँ पर डब्ले टाइप की एंट्रीज थी यहाँ पे ट्रिपल टाइप की एंट्रीज आएंगी बाकी बिल्कुल स्टेप सेम रहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है बेसिस सेट गिवन है सेकेंड क्वेश्चन को सेकेंड पार्ट को नहीं करना है हमारे सिलेबस में फर्स्ट पार्ट तक ही है हमें देखना है बेसिस जो है वो यूजुअल से हटके है और वो आ, किसका बेसिस सेट है R3 का। so R3 का बेसिस सेट अगर गिवन है, तो हम देखेंगे R3 का कोई भी मेंबर लें, तो उसे बेसिस की मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें स्केलर्स की वैल्यू क्या रहती है वो हमारा पहला स्टेप रहेगा सो so मैंने एक आर थ्री का मेंबर लेट कर लिया बीटा गामा सो अल्फा बीटा गामा को उसके बेसिस की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जिसमें मैंने स्केल ए बी सी लेट किए देन मेरा काम रहा कि उन्हीं ए बी सी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना और जो भी वैल्यूज आई उसको करना उस रिप्रेजेंटेशन में उसकोट्यूट करके सॉल्व नहीं करना है जस्ट उस इक्वेशन को नाम दे देना है कोई फर्स्ट इक्वेशन या ए इक्वेशन ये हमारी जो इक्वेशन रहेगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी देन हमारा फिर से वही स्टेप आ गया टी जो मैपिंग गिवन में है उसको लिख दो बेसिस सेट जो भी गिवन में है उसको लिख दो देन जो मेन स्टेप है है वो क्या टी का एक्शन उसके बेसिस के हर वेक्टर पे चेक करना पहले क्वेश्चंस में दो वेक्टर्स होते थे दो पे एक्शन चेक करते थे यहाँ पे आर का बेसिस सेट है टाइप की एंट्रीज हैं, तीन एंट्रीज होंगी तीनों पे उसका एक्शन चेक करना है टी का एक्शन वन 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 पे चेक करने जा रहे हैं बट हमारी मैपिंग एक्स वाई जेड के लिए थी टी के लिए सो so, हमने टी टी जो मैपिंग गिवन में थी उसमें एक्स की जगह वन वाई की जगह वन जेड की जगह वन पुट किया ये हमारा रिजल्ट आया उसको एज इट इज छोड़ देना है थोड़ी स्पेस रखनी है बाद में उसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से वन वन जीरो सोल्व करके का एक्शन थ्री थर्ड बेसिस वेक्टर पे भी चेक किया और उसको सॉल्व करके रख दिया नाउ नेक्स्ट क्या रहता है जो सॉल्व करके वैल्यू आई थी पहले वाले वेक्टर पे देखते हैं वो थ्री माइनस थ्री थ्री आई थी ये हमारा मेंबर किसका है आर थ्री का और ये आर थ्री का मेंबर है अगर है तो इसका बेसिस सेट हमारे पास गिवन है गिवन में है सो so, इस R3 के के मेंबर को उसके बेसिस वेक्टर्स की की लीनियर कॉम्बिनेशन हेल्प से लिखना था अगर तो यूजुअल बेसिस होता तो फर्स्ट एंट्री में थ्री है को एज इट इज लिखते और फर्स्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते बट यहाँ पे वो यूजुअल बेसिस से हटके है सो यूजुअल बेसिस से हटके है इसलिए तभी हमने पहले स्टेप में उसकी रिप्रेजेंटेशन बना के रखी है ये मेंबर हमारा आरथ्री का सपोज कोई जनरल मेंबर अल्फा बीटा गामा है So, आप अल्फा की जगह क्या पुट करोगे थ्री बीटा की जगह माइनस थ्री गामा की जगह थ्री पुट करोगे और उसको सोल्व करोगे सोल्व करने पे यहाँ पे कोपिशेंट मिल जाएंगे आप देख सकते हो थ्री माइनस सिक्स और सिक्स सिमिलरली सेकेंड के लिए भी आपने उसको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे टी का एक्शन जब सेकेंड वेक्टर पे देखा था उसका रिजल्ट टू माइनस थ्री थ्री आया था ये आर थ्री का मेंबर है और आर थ्री के बेसिस वेक्टर Uh, की हेल्प से लिखना है जो कि हमने रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन वन में दी है अल्फा की जगह टू बीटा की जगह माइनस थ्री गामा की जगह थ्री पुट करोगे उसको सॉल्व करोगे कोफिशियंट मिल जाएंगे इसी तरीके से थर्ड के लिए भी चेक करना है उन्हीं की मैट्रिक्स बनाई है उसका ट्रांसपोज लिया है ये आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बन गई किसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी बट ट्रांसपोज लेना नहीं भूलना इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इन टू कॉलम्स सेकेंड पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही चेक करना है नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल ले लेंगे uh, इसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट uh, uh, एक सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स वाली बाद में ले लेंगे एक नेक्स्ट जिसमें डिफरेंट टाइप का लेंगे लीनियर uh, ले लेंगे अभी तक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया uh, वैसे ज्यादातर लीनियर ऑपरेटर लेके ही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है बट अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है मतलब डोमेन और को डोमेन वाली स्पेस अगर डिफरेंट होगी तो उस सिचुएशन में हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए दो बेसिस सेट गिवन में होंगे कैसे रहेंगे वो अभी मैं बताती हूँ आपको स्क्रीन पे जस्ट हम्म ये मैंने एग्जाम्पल ली है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनानी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आप देख सकते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डोमेन और को डोमेन वाली स्पेसिस डिफरेंट हैं ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है क्वेश्चन बहुत ईजी है विद रिस्पेक्ट टू द यूजल ऑर्डर बेसिस है अब ये ध्यान में रखना की यूजल ऑर्डर बेसिस है आर टू का अलग होगा आर थ्री का अलग होगा तो सबसे पहले आर टू और आर थ्री का बेसिस सेट लिख लो जब गिवन में ना हो तो ऑर्डर बेसिस कैसे लेते हैं यूजल वाले आर टू के लिए वन जीरो जीरो वन और आर थ्री के लिए वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन क्लियर सो मैंने क्या किया पहला स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन जो भी गिवन में दी थी उसको लिखा Uh, क्योंकि आर टू से आर थ्री पे है तो आर टू का बेसिस सेट बी वन ले लिया और आर थ्री का बेसिस सेट बी टू ले लिया जो कि यूजुअल बेसिस थे अब मुझे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करना होता है पहला स्टेप टी का एक्शन उसके बेसिस वेक्टर पे चेक करना है अब कंफ्यूजन है कि बी वन वाला बेसिस सेट पे चेक करें एक्शन या बी टू वाले पे चेक करें तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है टी का एक्शन उसके बेसिस पे चेक करने जा रहे हैं मतलब हम इमेज को चेक करने जा रहे हैं तो इमेज को चेक करने जा रहे हैं तो डोमेन का ही मेंबर लेंगे ना सो so, अगर डोमेन का मेंबर लेना है तो बेसिस सेट किसका लेना है डोमेन वाले सेट का सो so, मैंने क्या किया टी का एक्शन उसके बेसिस पे चेक करना था तो मैंने यहाँ पे बेसिस गिवन में नहीं था आर uh, टू का बेसिस सेट लेना है पहला स्टेप ठीक है आर का बेसिस सेट किया वन सो टी का एक्शन मैंने किस पे चेक किया वन पे भी चेक किया और जीरो पे भी चेक किया कहने का मतलब पहले स्टेप में एक्स की जगह की जगह जीरो रख दिया रिजल्ट फिर इसी तरीके से टी का एक्शन जीरो वन पे भी चेक किया। चेक करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो आप देख रहे हो वन जीरो तो क्वेश्चन क्योंकि क्योंकि क्यों में मैपिंग ही कहां से कहां थी आर टू से आर थ्री पे तो मैंबर किसका आ गया इमेज वाली रिजल्ट कहां पे आना था आर थ्री वाली स्पेस में कोडमेन वाली स्पेस में कोडमेन वाली स्पेस आर थ्री टाइप की है तो उसकी एंट्रेस्ट ट्रिपलेट टाइप की आनी थी सो हमने देखा कि टी का एक्शन जब उसके यूजुअल बेसिस पे लिया तो उसका रिजल्ट वन, आया जो कि का मेंबर है इमेजेस में है अब के के मेंबर को उसके बेसिस मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है जब उसके बेसिस की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है तो उस सिचुएशन में यूजल बेसिस है इजी रहेगा वन थ्री फाइव को यूजल बेसिस की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो फर्स्ट एंट्री वन चाहिए वन से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट यूज वेक्टर को फिर थ्री एंट्री चाहिए थ्री से मल्टीप्लाई किया फाइव चाहिए फाइव मल्टीप्लाई किया इजी रहा क्योंकि यूजुअल बेसिस था अगर नहीं होता तो आपने क्या करना था? का कोई एक था बट स्केलर्स को लेट करना था एबीसी उन्हीं की वैल्यूज को कैलकुलेट करना था और पुट कर देना था सॉल्व नहीं करना था इक्वेशन नंबर दे देना था देन उसमें वैल्यूज पुट करके चेक करते जाते बट यहाँ पे इजी रहा डायरेक्टली यूजुअल बेसिस में मेंबर है उसको उसके बेसिस की हेल्प से लिखने के लिए ध्यान में रखना ट्रिपल टाइप की मेंबर है, है, है तो उसका रिजल्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करके दे दिया करने से क्या मिला आपको यहाँ पे आप देख सकते हो वन जीरो के साथ एक वन कॉफिशियंट है, है ये इसी तरीके से नेक्स्ट कॉफिशियंट है थ्री फाइव देन जीरो वन पे भी एक्शन चेक करने पे जो भी कॉफिशियंट आए हमने उनकी क्या बनाई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लिया यही हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं उसमें भी आपके पास यूजल बेसिस हैं बहुत ईजी रहेगा हम एक लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी डिफरेंट जिसमें हम मैट्रिस मैट्रिसिस का केस लेंगे बट यूजल बेसिस ही होगी क्वेश्चन ज्यादातर यूजल बेसिस को लेके ही आता है कई बार खुद से यूजल बेसिस लिखा होता है दिए होते हैं वेक्टर और कई बार खुद से लेने पड़ते हैं लास्ट so, डिस्कस करने जा रही हूं मैं आपके साथ गिवन hmm. में क्वेश्चन में दिया है वेक्टर स्पेस जो कि मैट्रिसेस की है टू क्रॉस टू मैट्रिसेस हैं लीनियर ऑपरेटर है टेंशन की जरूरत नहीं दोनों का बेसिस सेट सेम होगा ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके दी है क्वेश्चन में टीवी इज इक्वल टू एम वी Uh, M, एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू वन टू थ्री फोर है आप देख सकते हो इस सब क्वेश्चन में गिवन है बेसिस सेट जो है उसने दिया हुआ है नहीं भी दिया होता तो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का जो यूजुअल बेसिस सेट रहता है उसमें आपको देखो टू क्रॉस टू टाइप की मैट्रिक्स बनानी थी फर्स्ट एंट्री वन बाकी सब जीरो देन सेकेंड एंट्री वन बाकी सब जीरो थर्ड वेक्टर कैसे बनाओगे थर्ड एंट्री वन बाकी सब जीरो नहीं लिखा हो तो आपने खुद से मैट्रिक्स का जब यूजुअल बेसिस लेना है वो इस पैटर्न का लेना है ठीक है ना अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है टी ऑपरेटर है कैसा डिफाइन करके दिया उसको लिख दोगे टी वी इज इक्वल टू एम वी वे एम की वैल्यू दी है पहला स्टेप क्या रहता है टी uh, का एक्शन उसके बेसिस वेक्टर पे चेक करना

सॉरी uh, वी की इमेज अंडर द मैप टी वो किसके बराबर क्वेश्चन दिया सो की वैल्यू दी है और ये v आ गया दो मैट्रिज को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देना है सो so, टी का एक्शन मैंने उसके फर्स्ट बेसिस वेक्टर पे चेक किया और उसको एज इट इज लिख दिया बाय डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन में होगी फिर इसी तरीके से टी का एक्शन वी टू पे चेक करना है टी वी टू वी टू की वैल्यू क्या है सेकेंड वाला वैक्टर क्या था बेसिस का जीरो वन फर्स्ट सेकेंड एंट्री वन बाकी सब जीरो टी वी क्वेश्चन में दिया है वो उसका आंसर क्या है एम इंटू वी एम की वैल्यू पर्टिकुलर फिक्स है one, two, three, four into v. V हमारे पास रिजल्ट है इस केस में सेकेंड एंट्री वन बाकी सब जीरो दो मेट्रिस को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके बाई डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन उसको हमने एज इट इज रख दिया सिमिलरली हम टी ट्रांसफॉर्मेशन का एक्शन वी थ्री पे भी चेक करेंगे और वी फोर पे भी चेक करेंगे यूजल बेसिस के जितने वेक्टर्स थे उन सभी पे टी ट्रांसफॉर्मेशन का एक्शन चेक किया और उसको एज इट इज हमने लिख के रख दिया नाउ अब हमारा काम क्या रहता है matrix बनाना उस transformation की help से। matrix बनाने के लिए हमें अभी तक क्या किया है है। का action उसके basis vector पे चेक कर लिया और उनको as it is रखा बट ये जो वैल्यू आई है वो भी एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को आप देख सकते हो वो टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स उस स्पेस में गिवन में दी है उसका बेसिस सेट है उस

इसी तरीके से सेकेंड एंट्री क्या चाहिए जीरो तो सेकंड वाले बेसिस वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करो थर्ड एंट्री थ्री चाहिए इसलिए थ्री से मल्टीप्लाई करो फोर्थ एंट्री जीरो चाहिए जीरो से मल्टीप्लाई करो क्योंकि यूजुअल बेसिस था हमने इजीली उसको लिख दिया इसी तरीके से सेकेंड को भी थर्ड को भी और फोर्थ को भी लिख दिया वहां से हमारे पास क्या मिल गए कोपिशियंट्स जनरेट हो गए उन उनफिशियंट का हमने एक मैट्रिक्स बनाया और देन उसका ट्रांसपोज लिया वही हमारा आंसर रहेगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बी ये आपका पूरा चैप्टर है जो कि आपके थर्ड यूनिट में आएगा इसी के साथ आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो मैं फोर्थ यूनिट के लिए आपको सेंड करूंगी थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू